लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रियंका का नाम बतौर उम्मीदवार घोषित करेगी। इस तरह की खबरें राजनीतिक अखाड़े में बीते काफी समय से शोर मचा रही थीं, लेकिन बीते कल तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग गया और आखिरकार अजय राय को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला पार्टी ने ले लिया, जिसके बाद चारों ओर से कांग्रेस को घेरा जा रहा है। और अब इस मसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान सामने आया, जिन्होंने प्रियंका गांधी और वंशवाद की राजनीति पर हमला बोला। गुरुवार को अपने ब्लॉग में प्रियंका पर निशाना साधते हुए अरुण जेटली ने लिखा, प्रियंका गांधी के दावे का मिथक टूट गया है। भारत की पारंपरिक होशियारी है, बंद मुट्ठी लाख की, टूट गई तो खाक की। अभी तक यह मिथक था कि प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से फर्क पड़ेगा, आज इस मिथक ने अपनी अहमियत खो दी। प्रियंका गांधी बीते दो महीनों से सार्वजनिक जीवन में है। कांग्रेस की वंशवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए अरुण जेटली ने यह भी कह दिया कि भारत बदल गया है, अब वंशवाद कोई मायने नहीं रखता। प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने से साफ हो गया है कि वंशवाद के क्या मायने हैं। जेटली यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने ये भी लिखा, मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि वाराणसी नए भारत को सफल राजनेता के खिलाफ नए राजनीतिक वंशवाद के भाके का फैसला करने का अवसर देगी। वाराणसी में बीते 5 सालों में हुए विकास को देखते हुए गांधी परिवार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उन्होंने 40 से अधिक वर्षों में अमेठी और रायबरेली में क्या किया। आज का नया भारत वंशवाद को खारिज कर उपलब्धियों में विश्वास करता है। हमारे परिवार में प्रियंका गांधी का जुनून कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।